अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? अगर आप लोग अपने स्किन की किसी भी इश्यूज से परेशान हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, पॉलर के चक्कर नहीं लगाना चाहते, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली और वीकली स्किन रिजीम शेयर करूँगी, अपनी स्किन रूटीन, स्किन केयर की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और किस तरह से। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और ये है जेल क्लींजर। सबसे पहले ये यूज़ करती हूँ फेस वॉश के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जेल क्लींजर है। इससे आपकी स्किन ना ही ग्लोइंग रहती है बल्कि मॉइस्चराइज भी रहती है, और ये ऑल टाइप स्किन्स के लिए हैं। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ टोनर। टोनर ना सिर्फ आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है बल्कि ये आपकी स्किन की जितनी भी डस्ट है उसको रिमूव करता है। तो जेल क्लींजर यूज़ करने के बाद मैं टोनर यूज़ करती हूँ डे एंड नाइट दोनों टाइम पे, और अगर कहीं मुझे जाना हो तो तब भी मैं फेस वॉश के बाद लाजमी टोनर यूज़ करती हूँ। फिर आ जाती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ना कि सिर्फ मैं दिन में बल्कि मैं ये शाम में भी यूज़ करती हूँ, इवन कि मैं अगर किचन में भी काम कर रही हूँ तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ, और एज अ मेकअप प्राइमर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। इस वाली सनस्क्रीन को बहुत ज़बरदस्त सनस्क्रीन है, और ये सनस्क्रीन जो है छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं 2+। और इसको यूज़ करने के बाद एक्चुअली मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, उसको मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं उसके बाद जो यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये लोशन मेरी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, ग्लो भी देता है, और बहुत ज़बरदस्त ये लोशन है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको गर्मियों में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती गर्मियों में, बट मैं जो है वो सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करती हूँ। ये जो मॉइस्चराइज़र है, अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद आ जाते हैं हम एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली जो है वो मैं एज अ नाइट मास्क यूज़ करती हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप जब आपकी स्किन रिपेयर हो रही होती है तो ये एलोवेरा जेली बहुत अच्छा वर्क करती है, आपकी स्किन को टाइट रखती है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये फॉरएवर की हैं, और फॉरएवर की ये प्रोडक्ट्स बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बट दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर आप लोग भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को इसके लिए गाइड करूँगी। और ये मैं ट्वाइस अ वीक यूज़ करती हूँ। उसके बाद आ जाती है आई क्रीम। आई क्रीम ना कि आप मैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करती हूँ बल्कि अंडर आईज़ की जो स्किन ड्राई होती है उसके लिए भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से डे एंड नाइट में आई क्रीम लाजमी यूज़ करती हूँ। हाँ, बट मेकअप के दौरान मैं इसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये आपकी जो थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकालती है स्किन से, तो इसलिए ड्यूरिंग मतलब मेकअप के दौरान मैं इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करती मेकअप के लिए। और अच्छा, अब आ जाती हैं एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर आपकी डेड स्किन को रिमूव भी करता है, तो इसलिए मैं लाजमी यूज़ करती हूँ वीक में 1 टाइम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसलिए मैं सिर्फ इसको 1 बार यूज़ करती हूँ। और अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो इसको वीक में 2 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं और 3 टाइम्स भी। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सफोलिएटर है। ये जितनी भी मेरी स्किन की प्रोडक्ट्स हैं ये मेरी अपनी पर्सनल हैं, और मैं डेली बेसिस पे इनको यूज़ करती हूँ, और इससे भी क्या होता है कि मुझे किसी भी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन कि मैं अपना फेशियल भी बहुत शाजो नादिर ही करवाती हूँ। तो जनाब, अब आ जाता है ये हमारा अल्फ़ा ई फैक्टर। ये बेसिकली सीरम है और बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है। विटामिन सी है इसमें और बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं बहुत ज़्यादा गर्मियों में यूज़ नहीं करती, क्योंकि सीरम भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मियों में यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हाँ, बहुत ज़्यादा जब मेरी ड्राई स्किन हो रही होती है, ड्राई डिहाइड्रेट हो रही होती है स्किन, तो उस टाइम पे मैं ये यूज़ करती हूँ, या फिर हम वीक में वंस अ डे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको वंस अ डे वीक में यूज़ करती हूँ। सर्दियों में मैं इसको यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त सीरम है। ये भी मैं हेड टू टो के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इससे ना कि हमारी स्किन अच्छी रहती है, इससे बहुत सारी चीज़ें, स्कार्स, स्ट्रेच मार्क्स, ये सारी चीज़ें जो है वो
रिमूव हो जाते हैं। तो ये इट इज़ द बेस्ट सीरम। तो ये मेरी डेली और वीकली रूटीन है। अगर आप लोग भी अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं तो लाजमी कोई अच्छा सा जेल क्लींजर यूज़ कीजिए, उसके बाद टोनर यूज़ कीजिए, फिर सनस्क्रीन, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग लोशन भी, और वीकली में भी कोई अच्छा सा स्क्रब, एक्सफोलिएटर यूज़ कीजिए, आई क्रीम लाजमी यूज़ कीजिए, और कोई अच्छा सा सिरप भी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो मेरी रूटीन की। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।